to this lesson. So this is our unit number 23, theory portion of HRM, which is based on HR analytics, HR entrepreneurship, AI based HR solution, new HR trend for future. So friends, बताया जा रहा है कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिस कारण से HR के फंक्शन में चेंजेस आए। HR जो है ट्रेडिशनल पीपल मैनेजमेंट से इवॉल्व होकर स्ट्रेटजिक HR में कन्वर्ट हो गया, जो कि अलाइन होता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से एंड गोल से। तो पहले ट्रेडिशनल पीपल मैनेजमेंट हुआ करता था, अब वो स्ट्रेटजिक HR हो गया। स्ट्रेटजिक HR अलाइन होता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल से। HR का जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव से शिफ्ट होकर डिलीवरिंग वैल्यू तक हो गया। कि अब ये देखिए, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव था HR, अब वो बिजनेस को वैल्यू डिलीवर करता है। तो ये देखिए शिफ्टिंग हुआ है HR के रोल में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि HR प्रोफेशनल जो है वो हाईली डिमांडिंग हो गया है। इसमें दोस्तों रिक्वायरमेंट ये है कि HR प्रोफेशनल अपने स्किल को कॉन्स्टेंटली हार्नेस करे वैसे एरिया में जो कि डिलीवर करे उनके बिजनेस को बिना एक मॉडर्न अप्रोच का। देखिए प्लानिंग में मॉडर्न अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्लानिंग में दोस्तों मॉडर्न अप्रोच नहीं होगा, सो अनलेस देयर इज अ मॉडर्न अप्रोच इन प्लानिंग, सो तो हमारा क्या होगा कि देखिए मॉडर्न अप्रोच होना चाहिए प्लानिंग में फॉर द फ्यूचर नीड्स ऑफ द वर्कफोर्स। HR का जो फंक्शन है वो रिलेवेंस लूज कर देता है बिना मॉडर्न अप्रोच टू प्लानिंग का। तो इस सिचुएशन के लिए जो की ड्राइवर है वो क्या क्या है दोस्तों? रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी हमारा जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है दोस्तों ये रैपिड चेंज हो रहा है। दूसरा कारण है दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज होना। तीसरा है दोस्तों कॉस्ट कटिंग रिक्वायरमेंट। चौथा है दोस्तों कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एम्प्लॉय नीड्स, एम्प्लॉय डिजायर्स, एम्प्लॉय प्रेफरेंस, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। तो ये सभी चीज़ें कॉन्स्टेंटली बदल रही हैं। एम्प्लॉय की नीड, एम्प्लॉय की डिज़ायर, एम्प्लॉय की प्रेफरेंस, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो ये सभी की ड्राइवर है इन सभी सिचुएशन का। HR को टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अलाइन करना पड़ेगा बिजनेस गोल के साथ। एम्प्लॉय के नीड को ट्रीट करना पड़ेगा कंज्यूमर नीड के पार में और ऑपरेट करना पड़ेगा एक एजाइल मैनर में। तो ये सभी चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो हमारा डिजिटाइजेशन है और ऑटोमेशन है वर्क के अलग अलग एरियाज़ में, इसने स्कोप क्रिएट किया है नए रोल्स के लिए। किसके लिए नए रोल? मैनेजर्स के लिए नए रोल, लीडर्स के लिए नए रोल। जो HR प्रोफेशनल है उन्हें डेवलप करना है, नर्चर करना है वर्कफोर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर सके क्रिएटिविटी के साथ, डायनामिज्म के साथ। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेम्प्रेरी HR फंक्शन सारे वाइटल रिसोर्स को ध्यान में रखता है, जैसे एम्प्लॉय कौन है, ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है कि वो इफेक्टिवली कम्पीट कर सके। दोस्तों डिजिटाइजेशन के कारण क्या हुआ है, HR फंक्शन का माइग्रेशन हुआ है कि कहाँ पे? डिजिटल प्लेटफॉर्म में। क्लाउड कंप्यूटिंग को यूटिलाइज करते हैं, रोबोटिक्स को यूटिलाइज करते हैं, ताकि सर्विसेज को एम्प्लॉय तक टाइमली प्रोवाइड करवा सकें, डिलीवर करवा सकें। HR प्रोफेशनल को अपने नॉलेज हॉरिजन को ब्रॉड करना होता है, स्किल बेस को ब्रॉड करना होता है, ताकि जो बिजनेस पे नॉलेज है, मार्केटिंग पे नॉलेज है, फाइनेंस पे नॉलेज है, टेक्नोलॉजी पे नॉलेज है, इसे इनकम पास कर सकें। जो नए एरियाज हैं HR के, इमर्जिंग नए एरिया जो HR के हैं, यहाँ पे रिन्यूड स्किल चाहिए, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा HR प्रोफेशनल को, ताकि वो HR एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू कर सकें। HR ट्रेंड मेकिंग फास्ट इंडोर्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोस्तों क्या आता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज आता है, जैसे कि क्लाइमेट सर्वे, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कॉम्पिटेंसी मैपिंग। दोस्तों बात करें HR एनालिटिक्स की, तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्रूशियल है, ताकि आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन कर सकेंगे किसी कॉम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट में। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन को एड्रेस करता है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल का जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है विच एड्रेस बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशन। HR का फोकस होना चाहिए कि हम बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी करें और इसके वर्कफोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, ताकि आप बिजनेस डिमांड को मीट करने में वर्सेटिलिटी को इंश्योर कर सकें। HRM कुछ टूल्स को यूज़ करता है, मेजरमेंट को यूज़ करता है, ताकि एम्प्लॉय के साथ 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 काम करें, ताकि जो शेयर्ड गोल है और शेयर्ड वैल्यूज़ है उसे रियलाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन का। HRM के अंदर दोस्तों बहुत सारे एस्टैब्लिश स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस को यूज किए जाते हैं, और दोस्तों नए भी क्रिएट किए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से। पर्सनल मैनेजमेंट की तरह HRM नहीं होता है। HRM रिलाई करता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कोहेसिव वर्क बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोहेसिव वर्क का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है। HR एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आप HR स्ट्रेटजीज के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, उसे एसेस कर सकें। आज के कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में HR मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए कि हम की टैलेंट को रिटेन करें, ताकि इंश्योर कर सके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। डिसीजन मेकिंग एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, जो कि HR मैनेजमेंट के अंदर आता है। एम्प्लॉय के पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सकें रिलेवेंट डेटा के माध्यम से। HR मैनेजमेंट में टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आप एनालाइज कर सकें, वास्ट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय डेटा को स्टोर कर सकें,
ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सपोर्ट आपको मिले। एचआर रिसोर्स एनालिटिक्स या वर्कफोर्स एनालिटिक्स एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है इफेक्टिवली कि वो एनालाइज करे और मैनेज करे एम्प्लॉय डेटा को ताकि ग्रोथ को बूस्ट कर सके। एचआर एनालिटिक्स एक वाइटल है ताकि की पैरामीटर को आप प्रेडिक्ट करें जिस कारण से आपका डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट हो। जो भी डिसीजन आप एम्प्लॉयज़ के डेटा के रिगार्डिंग लेते हैं तो वो डिसीजन आपका इफेक्टिव हो, कैसे, एचआर एनालिटिक्स के माध्यम से। अब जरा बात करते हैं कि एचआर एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एचआर एनालिटिक्स की डेफिनेशन क्या है। एचआर एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है कि आप स्टैटिस्टिकल टूल मेजर्स प्रोसीड्यूर्स को यूज कर रहे हैं ताकि इफेक्टिव एचआरएम डिसीजन को ले सकें। एचआर एनालिटिक्स में दोस्तों क्या होता है कि आप ये आपको स्टैटिस्टिकली वैलिड डेटा प्रोवाइड करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है ताकि नए स्ट्रेटजीज क्रिएट करें, यानी तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है उसे इंप्लीमेंट करें। इस प्रोसेस के अंदर आप कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, मैनेज करते हैं एचआर डेटा को एनालिटिकल मॉडल के लिए। एचआर एनालिटिक्स ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस को कनेक्ट करता है स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लान से, किसके माध्यम से, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव मेथड। दोस्तों ये हमने पहले डिस्कस किया था, तीन मेथड है जैसे एचआर एनालिटिक्स ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लान से कनेक्ट करता है। एक है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है प्रेडिक्टिव और तीसरा है प्रिस्क्रिप्टिव मेथड। गोल ये है कि हम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें, रिटेंशन को इंप्रूव करें, कैसे, एनालिटिकल प्रोसेस को अप्लाई करके ह्यूमन कैपिटल में। एचआर एनालिटिक्स का एम है कि हम इनसाइट प्रोवाइड करें ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस का और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि कैसे उसे इंप्रूव करें। एचआर एनालिटिक्स का गोल ये है हम रेवेन्यू जनरेट करें, एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करें, रिस्क को मिटिगेट करें और स्ट्रेटजिक प्लान को एग्जीक्यूट करें। एचआर एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि आप स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, इंटीग्रेटेड एचआर, टैलेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा। एचआर प्रोफेशनल को एनालाइज करना पड़ता है अलग अलग डेटा सोर्स को थॉरली ताकि इनसाइट को क्रिएट कर सकें। डेटा को कलेक्ट करना इनफ नहीं है, ये जरूरी है कि आप उसे एनालाइज करें ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करना शुरू कर देती है एम्प्लॉय के कंसर्न को कलेक्टेड डेटा के माध्यम से, तो उसे कहा जाता है कि हाँ, ये अब एचआर एनालिटिक्स को इंगेज हो गई है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों एचआर एनालिटिक्स, पीपल एनालिटिक्स और वर्कफोर्स एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। एचआर एनालिटिक्स डील करता है एचआर फंक्शन मैट्रिक्स को और ये एचआर के द्वारा मैनेज किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए। पीपल एनालिटिक्स रिलेट करता है पीपल को इन जनरल और इसके अंदर एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, ये सभी इंक्लूडेड है। वर्कफोर्स एनालिटिक्स के अंदर सारे तरह के एम्प्लॉय होते हैं, रेगुलर, ऑन साइट, रिमोट, फ्रीलांसर, पोटेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रॉबोट्स। वर्कफोर्स एनालिटिक्स और एचआर एनालिटिक्स मैट्रिक्स जो है ओवरलैप करता है। एचआर और वर्कफोर्स एनालिटिक्स का गोल ये होता है कि हम रिटेंशन रेट को इंप्रूव करें, एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को इनहांस करें। पीपल एनालिटिक्स इनेबल करता है एक बिजनेस को कि वो मेजर करे, प्रोग्रेस को ट्रैक करे, एचआर को हेल्प करे कि वो ओवरऑल पीपल स्ट्रेटजीज को मैनेज करे ताकि स्ट्रेटजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएं। अब जरा बात करें दोस्तों, आपने समझ लिया एचआर एनालिटिक्स, पीपल एनालिटिक्स और वर्कफोर्स एनालिटिक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों बात करें एचआर मैट्रिक्स वर्सेस एचआर एनालिटिक्स की, एचआर मैट्रिक्स जो होता है वो ऑपरेशनल मेजर से एसोसिएटेड होता है और एचआर मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं ताकि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, इंपैक्ट को ट्रैक कर सकें। किसी प्रैक्टिसेस का क्या परफॉर्मेंस होगा, किसी प्रैक्टिसेस का क्या इंपैक्ट होगा, क्या किसी चेंजेस का क्या इंपैक्ट होगा, इसको मेजर करने के लिए एचआर मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है। जबकि एचआर एनालिटिक्स का फोकस होता है कि आप वेरिएबल को कंपेयर करें ताकि फ्यूचर डिसीजन को गाइड कर सकें, यानी तो बिजनेस मेजर को डेवलप करें जो कि प्रेडिक्ट करें फ्यूचर आउटकम को। एचआर मैट्रिक्स दोस्तों प्रोग्रेसेस को मेजर करता है, एक फर्म को हेल्प करता है कि वो अपने ह्यूमन कैपिटल को एनालाइज करें, जबकि एचआर एनालिटिक्स मैट्रिक्स को यूज़ करता है ताकि डिसीजन ले सकें, इफेक्टिवनेस को ट्रैक कर सकें एचआर पे और बिजनेस आउटकम पे। एचआर मैट्रिक्स रिवील करता है कि क्या हो रहा है हार्ड डेटा के बेसिस पे, जबकि एचआर एनालिटिक्स दोस्तों नंबर के बियॉन्ड देखता है ताकि फाइंड करता है कि क्यों कुछ ऐसा हो रहा है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एचआर मैट्रिक्स का एग्जांपल है कि आप मान लीजिए कि परसेंटेज ऑफ टर्नओवर को कैलकुलेट कर रहे हैं एक पार्टिकुलर सेक्शन में, जबकि एचआर एनालिटिक्स का एग्जांपल है कि आप कॉमन रीजन फाइंड कर रहे हैं एम्प्लॉय टर्नओवर का, आखिर एम्प्लॉय टर्नओवर हो क्यों रहा है, ठीक है, और फिर एक प्लान को क्रिएट कर रहे हैं रेमेडी में। इसलिए कहा गया दोस्तों कि जो हमारा एचआर एनालिटिक्स है ये ब्रॉडर टर्म है, राइट। चलिए उसके बाद दोस्तों एचआर मैट्रिक्स हो चाहे एचआर एनालिटिक्स हो, ये इंपॉर्टेंट टूल है ताकि आपको एक इंसाइट मिल सकेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन का और ये हेल्प करता है आपको बिजनेस डिसीजन लेने में। एचआर मैट्रिक्स आपको डेटा प्रोवाइड करता है एचआर एनालिटिक्स को जो कि एक पाथ क्रिएट करते हैं सॉल्यूशन के प्रति। दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के लिए पूरक है। मैट्रिक्स जो है एनालिटिक्स को सपोर्ट करेगा और एनालिटिक्स गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि कैसे हम मैट्रिक्स को इंप्रूव करें। मैट्रिक्स और एनालिटिक्स के बीच में लिंकेज है, हाईली सिंबॉलिक है, एक होलिस्टिक प्रोसेस को क्रिएट करता है बिजनेस वैल्यू को मेजर करने के लिए। हाई क्वालिटी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है दोनों कॉन्सेप्ट को रिलायबल होने के लिए, क्योंकि फॉल्टी डेटा इनएक्यूरेट रिजल्ट क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स, ब्रॉड एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एचआर एनालिटिक्स, एचआर एनालिटिक्स में दोस्तों हम लोग एचआर डेटा को एनालाइज करते हैं डे टू डे फंक्शनिंग के लिए और इमर्जिंग एचआर इशू और कंस्ट्रेंट को भी एनालाइज करते हैं।
एचआर फंक्शन दोस्तों डेटा ड्रिवेन होता है, एनालिटिक इंटेंसिव होता है, जिसमें एचआर प्रोफेशनल या लीडर को समझना पड़ता है किस एरिया में एचआर एनालिटिक्स को कंसीडर किया जाएगा। जो वाइटल एरियाज हैं जहाँ पे एचआर प्रोफेशनल को एड्रेस करना पड़ता है एचआर एनालिटिक्स के माध्यम से, इसमें सबसे पहला है कि एचआर पॉलिसी को अलाइन करना बिजनेस गोल के साथ, मैन पावर नीड को एड्रेस करना, स्ट्रेटजी डेवलप करना एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को मेजर करना, एट्रिशन इशू को एड्रेस करना। दोस्तों एचआर मैट्रिक्स आपको डेटा प्रोवाइड करता है एचआर एनालिटिक्स को, ताकि वो एनालाइज कर सके मीनिंगफुल इंसाइट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली और क्रिएटिव आइडियाज़ को विच डेटा इज नीडेड, जिसके लिए दोस्तों स्ट्रेटजिक और क्रिएटिवली डिसाइड करना जिसके लिए डेटा की जरूरत होती है, ताकि आप एक पार्टिकुलर इशू को एड्रेस कर सकें। क्योंकि दोस्तों एक सिंगल डेटा जो है सारे के सारे प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकता। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कॉमन मैट्रिक्स हैं जो कि मेजर किए जाते हैं एचआर एनालिटिक्स के द्वारा, जैसे कि रिक्रूटमेंट, पेरोल, एब्सेंस, कोर एचआर, सक्सेशन प्लानिंग, लर्निंग, परफॉर्मेंस, एट्रिशन। सो ये सभी कॉमन मैट्रिक्स हैं जो कि एचआर एनालिटिक्स के द्वारा मेजर किए जाते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली ये एचआर एनालिसिस का एक पार्ट है जो कि हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करता है, हिस्टोरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, ताकि उसको एक अंडरस्टैंडेबल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकें सिंपल मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस फोकस करता है एक्सप्लेन करने में जो ऑलरेडी हो चुका है किसी बिजनेस में, और ये प्रिडिक्ट नहीं करता, इन्फ्रेंस नहीं बनाता। डेटा एग्रीग्रेशन और डेटा माइनिंग की मेथड है जो कि यूज किए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, ताकि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकें, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है परफॉर्मेंस को मेजर करने में, और वैसे एरिया को आइडेंटिफाई करने में जहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या चेंज की रिक्वायरमेंट है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दोस्तों पैटर्न को रिवील कर सकती है, मीनिंग को रिवील कर सकती है हिस्टोरिकल डेटा के कंपैरिजन के माध्यम से। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का एडवांटेज है दोस्तों, जैसे कि क्विक एंड ईजी एप्लीकेशन इन डे टू डे ऑपरेशन, गेनिंग इनसाइट फॉर इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा। दोस्तों इसका लिमिटेशन भी जान लीजिए, एडवांटेज तो आपने देख ही लिया कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से आपको डे टू डे ऑपरेशन में आसानी से और क्विकली जल्दी से आप अप्लाई कर सकेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट का इंसाइट मिल जाएगा। लेकिन लिमिटेशन है कि डेटा के सरफेस के बियॉन्ड ये नहीं जाता है, और दोस्तों ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता या इन्फ्रेंस नहीं दे पाता। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को दोस्तों प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के साथ यूज किया जाए, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिले। प्रेडिक्टिव एनालिसिस दोस्तों क्या होता है कि आप फोरकास्ट करते हैं पॉसिबल फ्यूचर आउटकम को या किसी इवेंट के लाइक्लीहुड को, तो नाम ही है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो ये बेस्ड होता है प्रोबेबिलिटीज़ पे, और टेक्निक्स इसमें यूज किया जाता है जैसे कि डेटा माइनिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस दोस्तों आपको रियलिस्टिक गोल सेट करता है, इफेक्टिव प्लानिंग सेट करता है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को मैनेज करता है, रिस्क को अवॉइड करता है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस एग्जीक्यूटिव को एम्पावर करता है, मैनेजर को एम्पावर करता है, ताकि वो प्रोएक्टिव डेटा ड्रिवन अप्रोच ले सके बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। प्रेडिक्टिव एनालिसिस को आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर बिहेवियर को फोरकास्ट करने में, परचेजिंग पैटर्न को फोरकास्ट करने में, सेल्स ट्रेंड फोरकास्टिंग में। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें प्रेडिक्टिव एनालिसिस की, सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये कल्चरल फिट को डिटरमाइन करता है, एस्टिमेट करता है एम्प्लॉय के टेन्योर को, एफिशिएंसीज इंप्रूवमेंट में, कस्टमर सर्विस में, फ्रॉड डिटेक्शन में, सिक्योरिटी ब्रीच के आइडेंटिफिकेशन में और रिस्क रिडक्शन में प्रेडिक्टिव एनालिसिस का बहुत एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा चाहिए। दोस्तों बात करें प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की, तो ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है प्रेडिक्शन पे पास्ट इवेंट के बेसिस पे, ये बिजनेसेस को हेल्प करता है ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके, एक्शन ले सके। इसमें दोस्तों स्पेशलाइज्ड एनालिटिक्स नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस रूल्स, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करता है। दोस्तों बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं एचआर एनालिटिक्स में। सबसे पहले कि आप एक क्वेश्चनेयर को फ्रेम करें जो कि बिजनेस के रीजन को आउटलाइन करें, ताकि आप एचआर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकें। ये इंश्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट का पर्पज़ है वो क्लियर हो और इसके सक्सेस के चांस को बढ़ा देता है। फिर दोस्तों दूसरा स्टेप ये है एचआर एनालिटिक्स में कि आप एक हाइपोथेसिस को बिल्डअप करें, क्लैरिफाई करें, या एक एजम्पशन को क्लैरिफाई करें, ताकि बिलीफ को टेस्ट कर सकें किसी बिजनेस इशू के काउजेस के बारे में। इससे क्या होगा कि डेटा गैदरिंग में आपको गाइड मिलेगा, एनालिसिस फेजेस में आपको हेल्प मिलेगा, और दोस्तों कंक्लूजन रीच करने के अगेंस्ट आप गाइड कर सकेंगे। आपको रिलेवेंट डेटा को गैदर करना है ताकि हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और डिटरमाइन कर सकें कि डेटा क्वालिटी सफिशिएंट है या नहीं है।
डिसाइड करें कि एग्जिस्टिंग डेटा को गैदर करें, नए डेटा को कलेक्ट करें, या दोनों काम करें, एनालिसिस को कंडक्ट करें मेथडोलॉजी के माध्यम से, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, ताकि हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और इनसाइट प्रोवाइड कर सकें। ये क्रिटिकल स्टेप है और ज़रूरी है ताकि पैटर्न को डिस्कवर कर सकें डेटा में। फिर दोस्तों आप फाइंडिंग को वैलिडेट करें, फाइंडिंग को वेरीफाई करें मल्टीपल मेथड्स के माध्यम से, जैसे रिजल्ट को कंपेयर करें दूसरे सोर्स के साथ, या कंसल्ट करें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ, रिजल्ट को कम्युनिकेट करें रेलिवेंट स्टेक होल्डर को जैसे सीनियर मैनेजमेंट को या HR डिपार्टमेंट को, एप्रोप्रिएट विजुलाइजेशन टेक्निक के माध्यम से और ऐसे लैंग्वेज के माध्यम से जो कि आसान हो समझने के लिए। आप एक एक्शन प्लान को डेवलप करें जो भी इनसाइट आपने गेन किया है एनालिसिस से, इससे दोस्तों इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे ताकि बिजनेस इशू को एड्रेस कर सकें। फिर दोस्तों आप एक्शन प्लान को मॉनिटर करें, एक्शन प्लान के सक्सेस को इवैल्यूएट करें ओवर द टाइम, और फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो एडजस्टमेंट करें। ये इंश्योर करता है कि जो HR एनालिटिक्स प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू करेगा कि वैल्यू एडिशन में और अपने आउटकम को अचीव करेगा। फिर दोस्तों आप इनसाइट को अनकवर करें जो कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करती है, स्टेक होल्डर जो कि अपने आप से डिराइव नहीं कर पाएंगे, बिना इनसाइट का ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा जो कि एक्सरसाइज के पर्पज को डिफीट कर देगा। फिर क्लियर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करें ताकि बिजनेस और HR परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। वेल आर्टिकुलेटेड रिकमेंडेशन जरूरी होता है चेंज के लिए, और अनक्लियर रिकमेंडेशन के कारण प्रोजेक्ट फेलियर भी हो सकता है। कम्युनिकेशन आउटकम्स स्पॉन्सर के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, मतलब आउटकम को पार्टिकुलर कम्युनिकेट करें प्रॉपरली स्पॉन्सर को, स्टेक होल्डर को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। केयरफुली कंसिडर करें विजुलाइजेशन को ताकि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें एक्शन बेस्ड डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट आउटकम एंड इवैल्यूएट्स इट वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बात करते हैं HR एनालिटिक्स के एडवांटेज की, तो यहाँ देखिए HR एडवांटेज दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई एट्रीशन रेट एंड इट्स काउजेज, क्यों एट्रीशन हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। प्रेडिक्ट करता है दोस्तों डिमांड स्किल में, एंड दोस्तों उसके बाद ये इंप्रूव करता है HR के परफॉर्मेंस को, ये आइडेंटिफाई करता है बेस्ट परफॉर्मिंग टैलेंट को। ये सभी HR एनालिटिक्स के बेस्ट एडवांटेज हैं। जैसे कि पहला एडवांटेज दे रखा है यहाँ पे बेटर HR डिसीजन, तो HR एनालिटिक्स क्रिटिकल डेटा प्रोवाइड करता है, इनसाइट प्रोवाइड करता है वर्कफोर्स के बारे में, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और HR परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। इससे आप समझ पाते हैं स्ट्रेटजीज को जो कि मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि वो प्रोडक्टिवली काम करे, और कैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अफेक्ट करता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है HR एनालिटिक्स सर्टिफाई करता है बेस्ट मैचिंग टैलेंट को फॉर ए वैकेंट पोजीशन, यानी कोई पोजीशन वैकेंट है तो उसके लिए बेस्ट मैचिंग टैलेंट कौन सा है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के माध्यम से। फिर दोस्तों इस प्रकार से ये हायर के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, HR एनालिटिक्स हेल्प करता है हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने में, एम्प्लॉय के हायरिंग को रिव्यू करता है, रिटेंशन स्ट्रेटजी को रिव्यू करता है। फिर दोस्तों HR एनालिटिक्स वैलिडेट करता है HR डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंस को, और दोस्तों इसके रोल्स को एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर इन द बिजनेस परफॉर्मेंस। HR एनालिटिक्स प्रेडिक्ट करता है HR में चेंजेस को और बिजनेस में चेंजेस को फ्यूचर में। दोस्तों HR एनालिटिक्स के डिसएडवांटेज की बात करें तो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल HR डेटा को हैंडल करने में HR एनालिटिक्स को मल्टीपल लेवल ऑफ एक्सेस चाहिए, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए ताकि अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट कर सके, डेटा थेफ्ट को प्रिवेंट कर सके। हाई एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, HR एनालिटिक्स को इंप्लीमेंट करना एक्सपेंसिव होता है, और जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और मेंटेनिंग ऐसे सिस्टम को एक्वायर करना, ऐसे सिस्टम को मेंटेन करना, ये स्मॉल कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। दोस्तों एक सोफिस्टिकेटेड HR एनालिटिक्स टूल के लिए आपको स्पेशल एक्सपर्टाइज चाहिए, और एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट या हायरिंग एन IT एक्सपर्ट का कॉस्ट, ये सभी एक्सपेंस में जुड़ जाएगा। दोस्तों HR एंटरप्रेन्योरशिप द फ्यूचर बजवर्ड, तो HR फंक्शन बहुत ही इनोवेटिव हो गया है, स्ट्रेटजिक हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है। जो ट्रेडिशनल फंक्शन था HR का, अब वो मेंटेनेंस से लेकर वेलफेयर पे पहुंच गया है, स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन HR को एक स्पेशलाइज फंक्शन के रूप में देखती है जिसमें कोर HR प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स करती है कंटेम्प्रेरी HR फंक्शन को किसी प्रोफेशनल फर्म को एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन यंग HR प्रोफेशनल को देखती है जिसके पास हाई एंड एकेडमिक और प्रोफेशनल नॉलेज हो, ताकि HR पोर्टफोलियो को लीड कर सके बिजनेस ब्लेंड्स के साथ। एक इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होना HR फंक्शन में जरूरी है ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच को मेंटेन कर सके और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले सकें। HR एंटरप्रेन्योरशिप में आप मेकिंग इन हाउस HR प्रोफेशनल होता है, एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है, आउटसोर्सिंग किया जाता है क्रिटिकल HR फंक्शन को किसी एक्सटर्नल फर्म को। HR एंटरप्रेन्योरशिप एक अपकमिंग और अनटेप्ड एस्पेक्ट है HR डोमेन में, खासकर बैंकिंग इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करें एक एंटरप्रेन्योर ऐसा कोई आदमी होता है जो कि एक बिजनेस क्रिएट करता है या प्रोडक्ट क्रिएट करता है प्रॉफिट के लिए, इसके नीड को आइडेंटिफाई करके। एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी होती है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड कर सकें और वैल्यू एडिशन कर सकें बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। तीन फंडामेंटल फीचर्स होते हैं किसी एंटरप्रेन्योरशिप का, पहला है इनोवेटिवनेस, दूसरा है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तीसरा है प्रोएक्टिवनेस। कोई HR एंटरप्रेन्योर एक HR प्रोफेशनल होता है जिसके पास ब्लेंड ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग होता है, कॉन्स्टेंट अर्ज होता है कि वो बेटर इनोवेट कर सके, वायबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड HR फंक्शनिंग।
दोस्तों कुछ क्वालिटीज होते हैं एचआर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के, जैसे कि एफिशिएंटली मैनेजिंग बेसिक एचआर ऑपरेशन, हैविंग इनोवेटिव एबिलिटी टू इवॉल्व क्रिएटिव एचआर पॉलिसी, रिवार्डिंग एम्प्लॉय, पॉजिटिव एंटरप्रेन्योर एबिलिटी, एम्ब्रेसिंग कंस्ट्रेंट एंड हैविंग द एबिलिटी टू फेस देम रिजोल्युटली एंड बोल्डली। तो एचआर एंटरप्रेन्योर को समझना पड़ता है मार्केट को, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। उसका एम होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को एक्सीड करें। उसके पास एक इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए। एचआर एंटरप्रेन्योर एनालाइज करे, ओवरकम करे रिस्क को। एचआर एंटरप्रेन्योर प्रायोरिटाइज करे आउटकम को ओवर असाइन रोल। एचआर एंटरप्रेन्योर अपने टीम मेंबर को अप्रोच करेगा, टीम मेंबर के वर्क को अप्रोच करेगा सेम एंथुसियाज्म से और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से। एचआर एंटरप्रेन्योर एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो कि इनकरेज करेगा एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग को और वैल्यूज को। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट वन लेक्चर। इफ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर फॉर ईच एंड एवरी सेशन, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। पार्ट टू लेक्चर विल बी अवेलेबल टू द पेड मेंबर। थैंक यू।